आज मैं ऐसे पर्टिकुलरली कोई एक वीडियो ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मैं बस ये ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि एक हुआ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मैं सोची कि ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। इंसिडेंट ये हुआ है कि सभी लोगों को पता है कि धनवी का बर्थडे है और धनवी के बर्थडे में मैं नहीं पहुँच पाई। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाई, और हाँ रीजन बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धनवी का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो हम लोग पूरी फैमिली गए थे, बहुत एंजॉय किए थे, मतलब इतना हद से ज्यादा एंजॉय किए थे। मैं उसका क्लिप भी कुछ कुछ लगा दूंगी कि हमने बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि कहते हैं ना कि जब आप नाना नानी बन जाओ, तो हम लोग तो नाना नानी बन चुके हैं इतने ही कम उम्र में नाना नानी बन के, और फिर अपने नातिन का बर्थडे इसमें जाओ या फिर कोई पार्टी वगैरह में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। मतलब एक होती है ना, अंदर से अटैचमेंट है धनवी से, बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मैं ऐसे ही फेक कह रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसे मिलती हूँ या उसको देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मन करता है वो पास में बैठी रहे, उससे बातें करूं और सारी चीजें करूं। क्योंकि जब वो आती है ना घर पे, तो ऐसा लगता है पूरे घर में रौनक छा गई है, और अब तो मेरी बेटी हुई है जब से, और वो आती है तो ऐसी चहल पहल होती है, ऐसी चहल पहल होती है घर में कि मतलब देखने बनता है। जैसे अभी नामकरण में वो आई थी, नामकरण से पहले भी उससे मिली मैं बाबू को लेकर के ही, अपनी बेटी को लेकर के, तो मतलब वो इतना प्यार दुलार कर रही थी मेरी बेटी को, तो मतलब देख के ऐसा लगता है कि आहा, मतलब सच में बच्चे बच्चे ही होते हैं, और ये सारी चीजें देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये छोटा छोटा क्लिप मेरे हस्बैंड गए थे और मैं नहीं जा पाई। इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि टिकट हम लोग सोच रखे थे कि टिकट करवानी है 15 से पहले की, क्योंकि 15 को उसका बर्थडे है ये सब लोग जानते थे, और उससे पहले मैं दिल्ली वापस जाने वाली थी। मैंने पैकिंग वगैरह भी कर ली थी, आपने ब्लॉग देखा होगा, बीच में मैं एक ब्लॉग डाली भी थी जिसमें मैं अपना बैग वगैरह पैक कर रही थी, तो मैं निकलने वाली थी, लेकिन किसी कारण मुझे टिकट कैंसिल करना पड़ा, और कारण जो है वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि वो पर्सनल है थोड़ा सा, तो इसलिए तो टिकट मुझे कैंसिल करना पड़ा और मैं नहीं जा पाई। इस बात को अफसोस है क्योंकि दूसरा साल था धनवी का बर्थडे का सेलिब्रेशन, और उसमें मैं नहीं जा पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं धनवी के बर्थडे में शामिल हूँ, क्योंकि जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है ना एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड गए थे तो फिर उन्होंने ना मुझे वीडियो कॉल किया था, और फिर बाबू से भी बात कर रहे थे, प्रिंसेस से बात कर रहे थे, जब हस्बैंड ने मतलब पति देव ने वहां पर धनवी से बात करवाई थी, तो अच्छा लग रहा था बात करके। मेरे में दिक्कत ये हो रही थी ना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर से दोबारा फिर जब धनवी से बात हुई तो वो अच्छे से बात कर रही थी, और आपको पता है वो ना मतलब फोन में ही प्रिंसेस को पुच्ची दे रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। उन्होंने मतलब धनवी ने क्या किया, फोन लिया हस्बैंड से और बाबू को पुच्ची दी, उसके बाद उसने फोन वापस हस्बैंड को दे दिया। मतलब बर्थडे में नहीं जा पाने की वजह से थोड़ा कल मन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अंदर दिल से चाह रही थी कि मैं उसके बर्थडे में पहुंचूं, और मैं टाइम से, क्योंकि अब हमें दिल्ली भी वापस जाना था, तो इसलिए, लेकिन अभी किसी वजह से कैंसिल हो गया और सारी चीजें फ्लॉप हो गई, और अच्छा नहीं लगा। कल जाना चाह रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस बार तो नहीं जा पाई, अगली बार पूरी कोशिश रहेगी कि धनवी के बर्थडे में हम लोग शामिल हों, पूरे पूरा परिवार जो है एक साथ शामिल हो। और धनवी से जो अट्रैक्शन है वो अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि हाँ दिखावे के लिए या फिर मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए,
ऐसा कुछ भी नहीं है, धर्म से अलग अलग तरीके का अटैचमेंट है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि कमेंट्स जैसे जैसे आते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, जैसे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी अपनी जिठानी है चाहे कुछ भी हो, लेकिन देखो यार जिठानी जिठानी होती है, अपनी हो चाहे कहीं की हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरी अपनी जिठानी है, मौसी की जिठानी है, तो इनके सारे बच्चे जो भी है ना उनसे अलग ही लगाव है, ऐसा नहीं है। और पता नहीं शादी से पहले भी भाभी से बात होती थी और उस समय भी उनके साथ जो अटैचमेंट था वो अभी भी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं भी अटैचमेंट खत्म हुआ और कभी भी ऐसा नहीं लगा। जब हम लोग हैदराबाद में रहते थे और फिर उसके बाद जब दिल्ली आए तो एक ऐसा लगता है ना कि हाँ परिवार है, अगर दिल्ली में आप हो तो दिल्ली में आपका पूरा परिवार आपके साथ है, आपको कोई भी दिक्कत हो चाहे कुछ भी हो सब लोग खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही सुमित जी भी हैं, वो घर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो पूरी फैमिली आती है ना, जैसे सुमित जी, निक्की और धनवी, ये सब सारे पार्टी वगैरह में आते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और बस यही होता है कि उनके फैमिली के साथ भी अलग सा लगाव हो गया है। हाँ ये आप कह सकते हो कि मैं उसकी अपनी तो नहीं हूँ चाची, लेकिन वो मुझे अपनी चाची की तरह ही बिल्कुल प्यार करती है। निक्की निक्की के साथ भी अलग रिलेशन और बॉन्ड है मेरा, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उसके साथ मजाक नहीं करती हूँ या वो मेरे साथ मजाक नहीं करती है, और जितना ज्यादा हो सकता है वो मेरी हेल्प ही करती है, ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करती है, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। मैं उसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ ना कि हाँ निक्की ये मुझे बताओ कि क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो फटाक से बता देती है। वो कभी नहीं ये मतलब कहते हैं ना अंदर ये नहीं सोचती है कि हाँ क्यों बताऊं, क्यों मैं क्यों बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं उसके बातों से, उसके बिहेवियर से, उसके सारी चीजों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही अटैचमेंट है जो कि धनवी से, निक्की से है ही और उससे ज्यादा जो है अब धनवी से अटैचमेंट है। तो बस रीजन तो आपको लोग बता दिया कि यही रीजन है। और अब मैं लास्ट में मैं क्लिप भी ऐड कर दे रही हूँ, जब हस्बैंड धनवी के बर्थडे में गए थे और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया और हम लोग को भी मतलब वीडियो भेजा साथ में, वो वीडियो कॉल पे भी थी, सब लोगों से बात भी हुई वीडियो कॉल पे, तो उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो गाइज बस यही एक छोटा सा मैं सोच रही थी कि अपनी फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करूं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या है, धनवी के साथ क्या मेरी फीलिंग्स है। मन कर रहा था कि आपके साथ जरूर शेयर करूं तो बस इसलिए शेयर कर रही हूं। और इसको पॉजिटिव या नेगेटिव भी मत लेना, आप लोग जितना पॉजिटिव सोचोगे वो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, बस और क्या चाहिए। तो गाइस बस अब आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और खूब एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो अपना ध्यान भी रखिए, जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।